हेलो गाइस वेलकम टू एपिक्स स्टडी नॉलेज पॉइंट स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ पी एस सी दो हज़ार अठारह उन्नीस दिन की क्लास में जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास जिसमें हम देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से राजवंश थे जो छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में जो है शासन किए अर्थात हम क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में कौन से राजाओं ने कौन से वंश ने जो है शासन किया तो ये स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास एपिक्स स्टडी विथ नॉलेज पॉइंट के साथ तो दोस्तों चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं बाण वंश के बारे में बाण वंश जो है कोरबा क्षेत्र कोरबा क्षेत्र ये यह यहाँ कोरबा क्षेत्र पड़ता था इस क्षेत्र में बाण वंश का शासन था अगला आता है आपका शरबपुरी वंश वन, शरबपुरी वंश का जो शासन क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था इनकी राजधानी जो है इधर ये सारंगगढ़ इधर है संभल इधर आपके बिलासपुर क्षेत्र में मल्हार और इधर जो है आपके सिरपुर महासमुंद में सिरपुर मतलब ये आपका सिरपुर ये आपका मल्हार वाला क्षेत्र तो इधर सारंगगढ़ से लेके ये आपके संभलपुर वाला एरिया इतने एरिया में ये वंश जो है शासन करता था ये चारों क्षेत्र जो है इनकी राजधानियाँ थी शरभपुरी वंश की अगला वंश आता है आपका रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा के वंश रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा के वंश रतनपुर शाखा ये बिलासपुर क्षेत्र वाले एरिया में शासन करता था और रायपुर शाखा जो है ये आपके रायपुर वाले शाखा में शासन करता था ये रायपुर वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ ये रतन रायपुर शाखा थी और रतनपुर शाखा आपके बिलासपुर क्षेत्र में थी अगला आता है आपका राजर्षि तुल्य कुल वंश राजर्षि तुल्य कुल वंश जो है ये वंश जो है आरंग क्षेत्र में शासन करता था ये आरंग क्षेत्र जो है आपके रायपुर में ही पड़ता था आरंग क्षेत्र आपके रायपुर क्षेत्र में पड़ता था अगला आता है आपका पांडु वंश वंश सिरपुर का वंश जो है ये आपके महासमुंद में शासन करता था सिरपुर का वंश महासमुंद में शासन करता था अगला आता है आपका फड़ी नाग वंश नागवंश जो है कवर्धा का जो है ये कवर्धा क्षेत्र में शासन करता था कवर्धा का फड़ी नागवंश कवर्धा क्षेत्र में यहाँ शासन करता था अगला आता है आपका सोमवंशी कांकेर को सोमवंशी जो ये कांकेर क्षेत्र में शासन करते थे ये कांकेर क्षेत्र राजधानी का गांव सर के इधर वाला जितना एरिया था इस क्षेत्र में जो है कांकेर के सोमवंशियों का शासन क्षेत्र था अगला आता है आपका नलवंश छिंदक वंश और काकताई वंश नलवंश छिंदक वंश जो है ये बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे ये बस्तर क्षेत्र जो है आपका ये दंडकारण या बस्तर क्षेत्र इस क्षेत्र को जो है हम आपका बस्तर क्षेत्र या चक्रकोट भी कहते थे है ना न ये आपके छिंदकों की जो राजधानी थी ये आपके बस्तर के चक्रकोट को ब्राह्मणकोट भी कहते थे इधर आपके कोरापुट पुटवारा या एरिया उड़ीसा का ये सब इनकी राजधानी थी ये तीनों वंश जो हैं क्रम से इस क्षेत्र में जो है शासन किए हैं तो दोस्तों आशा है कि आपके वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपने देखा होगा कि कौन सा राजवंश छत्तीसगढ़ का किस क्षेत्र में शासन करता था तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट